आशा आयुर्वेदा के YouTube चैनल पर मैं डॉक्टर चंचल एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इनफर्टिलिटी की समस्या और इसके अनेकों कारण, पर इसमें 60% ऑफ पेशेंट्स ट्यूबल ब्लॉकेज की समस्या से जूझते हैं और इसका जो सबसे नॉर्मल और ईजी ट्रीटमेंट लगता है वो है लेप्रोस्कोपी, जिसकी सक्सेस हार्डली 10-15% है। और आयरनी ये है कि उसके बाद भी वो ट्यूब 2-3 महीने में फिर से ब्लॉक हो जाती हैं। पर क्या इसका कोई ऐसा अचूक उपाय है जिससे ये ट्यूब्स ओपन भी हो जाएं और उसके बाद दोबारा ब्लॉकेज भी ना हो? बिल्कुल है। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं ट्यूबल ब्लॉकेज का ऐसा ही अचूक उपाय। ये ट्रीटमेंट है उत्तर बस्ती थेरेपी। हजारों सालों पूर्व हमारी संहिताओं में हमारे आचार्यों द्वारा बताई गई पद्धति, जिसके माध्यम से ट्यूब ब्लॉकेज की समस्या ऑलमोस्ट 90% ऑफ केसेस में सॉल्व हो जाती है। ये ट्यूब ब्लॉकेज चाहे टीबी की वजह से भी क्यों ना हो, तो भी इसके रिजॉल्व होने के चांसेस बहुत अच्छे रहते हैं। ट्यूबल ब्लॉकेज विद हाइड्रोसाल्पिंग्स, ट्यूबल ब्लॉकेज विद ट्यूबर क्लॉसिस, ट्यूबल ब्लॉकेज विद एंडोमेट्रियोसिस, ट्यूबल ब्लॉकेज फॉर एनी सॉर्ट ऑफ इन्फेक्शंस जो कि बहुत सारे एंटीबायोटिक्स से भी रिजॉल्व नहीं हुई, ऐसी सब समस्याएं ट्यूब ब्लॉकेज की आयुर्वेद की इस पद्धति के माध्यम से सॉल्व होती है। और आशा आयुर्वेदा पिछले 8 सालों से इसमें निरंतर प्रयास कर रहा है और सक्सेसफुल ट्रीटमेंट मोर देन 90% पेशेंट्स में दे रहा है। दोस्तों, आज हम समझते हैं कि आखिर ये पद्धति है क्या और कैसे इसके ट्रीटमेंट में हमें इतनी ज़्यादा सक्सेस मिल पाती है। उत्तर बस्ती, उत्तर यानी कि वो रास्ता जहाँ से हम यूट्रस के अंदर मेडिसिन डाल सकते हैं, वो है हमारा योनि मार्ग। योनि मार्ग यानी कि हमारा वेजाइना। वेजाइना के माध्यम से हम यूट्रस के मिड पाथवे के अंदर आयुर्वेदिक मेडिसिन जो कि आयुर्वेदिक हर्ब्स से बने हुए ऑयल्स या फिर आयुर्वेदिक हर्ब से बने हुए घृत यानी घी हो सकते हैं, उनको यूट्रस में इंसर्ट करते हैं और हम कैनुला के माध्यम से ये ऑयल्स यूट्रस के सेंटर में छोड़ते हैं, जो कि दोनों ट्यूब्स में जाता है और जो भी ब्लॉकेज है वहाँ जाकर उसको रिजॉल्व करता है। तो सपोज आपकी ब्लॉकेज किसी इन्फेक्शन की वजह से है और वहाँ पर ट्यूब डायलिटेशन है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मेडिसिन इंसर्ट की जाती है। अगर एडहेशंस हैं तो उसको ध्यान में रखते हुए मेडिसिन दी जाती हैं। अगर हाइड्रोसाल्पिंग्स की समस्या है तो जो ट्यूब्स के इंटरनल लेयर्स में जो इरोजन्स रहते हैं उसको हील करने के लिए मेडिसिन डाली जाती हैं। और फिर जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है ट्यूब्स की फंक्शनैलिटी को रिवाइव करना, स्पेशली हाइड्रोसाल्पिंग्स के केस में ट्यूब्स की इलास्टिसिटी को वापस से रिवाइव करना, उसके लिए मेडिसिन का सपोर्ट लिया जाता है और इन्हीं मेडिसिन में चेंजेस करके उसे डाला जाता है। तो इस तरीके से एक बहुत ही पेनलेस सिचुएशन है, एक पेनलेस कंडीशन है, एक पेनलेस थेरेपी है जिसमें किसी एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं है, जिसमें किसी और ऐसे सिडेशन की जरूरत नहीं है, पेन किलर्स की जरूरत नहीं है और नेचुरल तरीके से हम सिर्फ उत्तर बस्ती थेरेपी के माध्यम से यूट्रस के अंदर मेडिसिन डालकर ट्यूब ब्लॉकेज को ओपन कर सकते हैं। ट्यूब ब्लॉकेज के इस ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता है। ट्यूब ब्लॉकेज की इस समस्या में कोई पेन नहीं होता, पेशेंट्स अकेले आते हैं, अपनी थेरेपी करवा के खुद ही जा सकते हैं। आप इस थेरेपी के तुरंत बाद ड्राइव कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, आप ट्रेवल करके जा सकते हैं, कोई भी समस्या उसमें नहीं आती है। किसी भी लेप्रोस्कोपी या ऑपरेशन की इसके लिए ज़रूरत नहीं है। और जो रेशों के बीच में एडहेशंस होते हैं, जो जाले बने होते हैं, वो भी इसमें पूरी तरह से रिजॉल्व होते हैं, इसलिए ये समस्या इससे जड़ से निजात पाती है। इसके अलावा भी उत्तर बस्ती ट्यूबल ब्लॉकेज के अलावा अन्य बीमारियों में भी बहुत मदद करती है, जिसमें यूट्रस की इंटरनल एनवायरनमेंट जो हमारी ये एंडोमेट्रियम रहती है, इस एंडोमेट्रियम की जोन वैस्कुलैरिटी है, एंडोमेट्रियम का ब्लड फ्लो है, एंडोमेट्रियम का पीए इंडेक्स यानी पल्सेटिव इंडेक्स है उसमें बहुत अच्छा काम करती है, फाइब्रॉइड्स को रिड्यूस करने में बहुत अच्छी मदद करती है। एडिनोमायोमास में 3 मंथ्स के अंदर हमें बेस्ट रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो इसलिए उत्तर बस्ती थेरेपी टोटल साइड इफेक्ट्स फ्री है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हेल्थ के लिए बेस्ट है। तो अगर किसी को भी ट्यूबल ब्लॉकेज, एडिनोमायोसिस, एंडोमेट्रियोसिस, फाइब्रॉइड्स का इशू है तो वो उत्तर बस्ती थेरेपी ले सकते हैं। इनफैक्ट रिकरेंट एबॉर्शंस जिनको बार बार गर्भपात होता है, ऐसी समस्याओं में भी उत्तर बस्ती में उन मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है जो इसकी यूट्रस की इंटरनल इम्प्लांटेशन के जो इश्यूज रहते हैं उसको रिजॉल्व करती है, उसकी मसल्स को इतना स्ट्रेंथन करती है और एनवायरमेंट को इतना फेवरेबल बनाते हैं कि उसके बाद एबॉर्शंस नहीं होते हैं। तो इस तरीके से उत्तर बस्ती थेरेपी काम करती है।
आशा आयुर्वेदा में ये उत्तर बस्ती थेरेपी प्रॉपर स्टरलाइज्ड वे में दी जाती है। आप कभी भी इसके लिए हमें संपर्क कर सकते हैं। आपका हमेशा स्वागत है। धन्यवाद।